हाय फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे ईसीटी सेंसर की, इंजन कूलेंट टेम्परेचर सेंसर की। सबसे पहले हम बात करते हैं ईसीटी सेंसर की लोकेशन होती कहाँ है। इंजन कूलेंट टेम्परेचर सेंसर की लोकेशन इंजन हेड के पास जो कूलेंट एल्बो होता है वहाँ पर इसकी लोकेशन होती है। अब हम बात करते हैं ईसीटी सेंसर काम कैसे करता है। इंजन कंबसन चैम्बर के दोनों तरफ कूलेंट जैकेट होती है जिसमें कूलेंट सर्कुलेट होता है। जो टेम्परेचर इंजन कंबसन चैम्बर का होता है वही टेम्परेचर जैकेट्स में मौजूद कूलेंट का होता है। ईसीटी सेंसर उसी टेम्परेचर को सेंस करके ईसीएम को भेजता है। ईसीएम का मतलब होता है इंजन कंट्रोल मॉड्यूल। अब बात करते हैं ईसीटी सेंसर के ख़राब होने पर क्या क्या प्रॉब्लम होती है। एक, ईएफआई इंजन को स्टेबल रखने के लिए टेम्परेचर के मुताबिक फ्यूल सप्लाई होता है। अगर ईसीटी सेंसर ख़राब होगा तो वह कंटिन्यूस रॉन्ग टेम्परेचर सेंस करेगा और इंजन को वार्म रखने के लिए फ्यूल की सप्लाई बढ़ जाएगी और फ्यूल का कंजप्शन ज़्यादा होगा। ईसीटी सेंसर जब 97 से 100 डिग्री शो करता है तब ईसीएम रेडिएटर फैन को ऑपरेट करता है। अगर ईसीटी सेंसर सही तरीके से काम नहीं करेगा तो रेडिएटर फैन बार बार कट ऑफ होगा और एसी भी बार बार कट ऑफ होगा। तो फ्रेंड्स, ये थी ईसीटी सेंसर के बारे में कुछ जानकारी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।